अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत से पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सामंजस्य बोला जाता है, सामंजस्य जो कर रहे हैं आप हिंदी चैनल पर मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना जी। कब तक टिकट घोषित होगा? और क्या उद्धव जी, एक प्रश्न और आपसे बीच में पूछ रही हूं, उद्धव जी क्या चेहरे होंगे जी? बोलिए, पूरा कीजिए। मैं दोनों बातें आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हमारा तो हाउस जो है बिल्कुल एक है, नेक है। उद्धव जी की आपने बात करी, उद्धव जी ने भी स्वयं कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बने, शिवसेना से बने, एनसीपी से बने, कोई मुख्यमंत्री बने मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जिसको महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री पद के लिए कहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। ये उद्धव ठाकरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप चाहें तो उसको खोल करके किसी भी नेट पर पढ़ सकते हैं और आपको तो मालूम ही होगा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन मराठा राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में ना अंजना जी, आज का दिन एक शर्म के लिए है, महायुति के लिए। इन्होंने मराठा राजनीति को शर्म से झुका दिया है कि अमित शाह जी के घर पर महायुति की बैठक हो रही, यानी मराठा लोग आकर के, महाराष्ट्र के लोग आकर के, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं उनके घर पर बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों फलक बैठ करके वहां पर तय कर रहे हैं कि कौन किसको लड़ेगा, और अमित शाह जी उनको निर्देश दे रहे हैं। आप समझिए इस बात को। और ये मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और फाइट टू फिनिश करते हैं। आज जिस तरीके से अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को और सारी चीजें इन्होंने बीजेपी, इन दोनों गुटों को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है, और वहां के रोजगार को गुजरात ले जाके और यहां के अजीत पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपकी जो बात है ना, आपने कहा कि हमारी सीट के कैंडिडेट ऑलरेडी जो है लगातार क्षेत्र में है, और उसमें हम क्या नाम अपने लोगों को हम ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लिस्ट हमारी आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, या अजीत शाह टाइप, अमित शाह जी और अजीत पवार टाइप के लोग हैं, कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। महाराष्ट्र अनैतिक सरकार से छुटकारा पाने जा रहा है, महाराष्ट्र की बेइज्जती अब और नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन आप महाराष्ट्र की बेइज्जती का एंगल इसको देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इस नियम से तो 10 जनपद पर देश के किसी राज्य के नेता की बैठक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कौन सा तुक हुआ कि जो, अगर जो पार्टी लीडरशिप है उसके साथ चर्चा हो रही है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र, ये सुरेंद्र जी कैसे बात हो गई? आप यूपी में है, महाराष्ट्र की बात करने के लिए आए हुए हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गुम खा के ही मानो। मैं बताता हूँ, वो भी जवाब देता हूँ। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 10 जनपद आएंगे, हमारे AICC में आएंगे, सब जगह आएंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी जो तीन दलों का गठबंधन है, जिसमें दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और दो पार्टियां हमारी शिवसेना और एनसीपी, महाराष्ट्र की पार्टी, हमारा वहां पर गठबंधन हो रहा है। हमारा दिल्ली में ये तीनों पार्टियां नहीं आती हैं कांग्रेस के दरवाजे पर एक साथ, ऐसे व्यक्तिगत मिलेंगे अपनी जगह, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए नहीं आते हैं। लेकिन महायुति में क्या हो रहा है कि धमका करके बुलाया जा रहा है एकनाथ शिंदे को, धमका करके बुलाया जा रहा है अजीत पवार को, और धमका करके ये कहा जा रहा है आपको कि आपको इंस्ट्रक्शन है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह यानी गुजरात वाले लोग महाराष्ट्र के लोगों को धमका के कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोलिंग नहीं चलेगी। जब राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, सामंजस्य को कंट्रोल समझने लगे और बात करने लगे क्षेत्रवाद की तरह खुली खुली कि महाराष्ट्र को गुजरात कंट्रोल कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश को कौन कंट्रोल कर रहा है? समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी को कंट्रोल कर रही है। सुरेंद्र भाई में क्या दिक्कत है कि सुरेंद्र भाई, देखिए चालाकी बहुत अच्छी चीज है, चालाकी से थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं तो कुटिलपन आता है, वहां तक ठीक है, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। उसके आगे बढ़ गई समाजवादी पार्टी, बेहाई पे उतर गई, 9 के 9 सीट ले ली और आपको चुपचाप से सरेंडर होना पड़ा। इसको कहते हैं कंट्रोल करना, इसको कहते हैं कंट्रोल करना, कि आपको अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का भी गुमान नहीं रहा, अपने वर्कर्स का गुमान नहीं रहा। महाराष्ट्र में आप कहते हैं कि कोई 10 जनपद नहीं आता है, वो इतने सारे गुलदस्ते फुलदस्ते लेके, कभी उद्धव ठाकरे, कभी छोटे ठाकरे, कभी शरद पवार, अक्सर टीवी में दिखता रहता था भाई। सीट शेयरिंग की पहली चर्चा उन्हीं के साथ शुरू हुई थी, कहां चक्कर में है आप? गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पे बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बात कर रहे हैं, तब तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी साहब।
क्योंकि कभी आप धर्म पकड़ते हैं, कभी आप क्षेत्र पकड़ने लगते हैं, सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं। उसी पे योगी जी का ये बात होता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उसमें आपको बुरा लग जाता है। मानिए ना इस बात को, मानने में क्या है, जो अपनी गलती मान लेगा वही तो सुधार कर सकता है। जब गलती मानेंगे नहीं तो सुधार की उम्मीद कर सकते। सुरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जी वो आपको यूपी याद दिला दे रहे हैं, जहां खत्म खटाखट खटाखट खत्म यूपी याद दिला रहे हैं, जहां पर आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने 9 सीटों पर। ये आपको लगता है, हाँ ये आपको लगता है, वो कहते हैं ना कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। अजय भाई, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, और सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। आप लोग पहली चीज तो अजय भाई के साथ समस्या में, अजय भाई के डिक्शन पे कोई, अरे भाई 2 मिनट अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत से पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सामंजस्य से बोला जाता है, सामंजस्य से जो कर रहे हैं आप हिंदी चैनल पर मत कीजिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का क्या लेना देना है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ हमने किया है, क्यों इसलिए किया है कि आपकी आतताई सरकार को हटाना है। हम तो सहमत है, हम तो मानते हैं कि हमने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए दी हैं, लेकिन आपको तो इतना तक नहीं कि अगर उद्धव ठाकरे जी अकेले आ रहे हैं, आपको अकेले तो 1000 बार नरेंद्र मोदी जी के यहां सब लोग आ चुके हैं। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग जो अजीत पवार को, सुशील कदम, एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला रहे हैं, और दिल्ली बुला करके बीजेपी जो कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब आपको मराठा का जनमानस देगा। आप इस चीज को याद रखिए, आप हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप नहीं लगा सकते कि महाविकास अघाड़ी की कोई पूर्ण बैठक टिकटों के लिए, बागियों के लिए, दागियों के लिए कोई हमने दिल्ली में करी हो। हमारी बैठक वही थी, वही है और वही रहेगी, और वहीं से टिकटों का बंटवारा होगा। और आपके जो संदेश जा रहा है ना दिल्ली से, और अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं, भरोसा रखिए मेरी बात का, मुंबई भी जवाब देगा और रेस्ट ऑफ मराठवाड़ा भी जवाब देगा। बेटा बहुत बढ़िया। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरह से रखिए, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए, वे मैं तेरा मन पड़ेगा।